जय मसी की दोस्तों जब इस सुबह होती है और इस सुबह को मैं देखता हूं तो परमेश्वर का प्यार मेरे हृदय में, में भर जाता है मैं महसूस करता हूं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और इस प्रकृति को हमारे लिए रचा ताकि हम वो सुख भोगें वो शांति का एहसास वो खुशियों का एहसास वो विचार जो हमें जीवन देता है वो विचार जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है वो सदा हमारे अंदर बहता है जब मैं सुबह को देखता हूँ चिड़ियों का चहचहाना सुगंध फूलों की सुगंध सूरज की किरणों का निकलना और उन किरणों को आकाश से बादलों की ओर से आते हुए देखना मैं सचमुच ऐसा भाव बिहोर हो जाता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर क्या कह तू हमसे कितना प्रेम करता है तुमने हमें बताया है कि हर एहसास हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है हम हर क्षय में परमेश्वर को पाते हैं हर वस्तु में हम उसको देखते हैं और यही सत्य है क्योंकि हर वस्तु उसके द्वारा ही रची गई है दोस्तों आज के मन्ना का भाग हमने लिया है नीति वचन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और तीसरा वचन वचन कहता है करुणा और सच्चाई तुमसे अलग ना हो उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पटल पर लिख लेना धन्यवाद पिता परमेश्वर परमेश्वर तो हमसे इतना प्रेम करता है कि तूने अपनी करुणा हमारे बेटे के द्वारा हम तक पहुंचाई है दोस्तों हमें ये वचन क्या बताता है वचन ये बताता है कि मेरे भाई मेरे बच्चों करुणा परमेश्वर की तुम्हारे लिए ही है कभी कभी हमें इस संसार में जब हम अपने आप को आंकते हैं जांचते हैं तो कभी कभी आपको संदेह होता है कि मैं यह क्या क्या कर रहा हूँ मेरा क्या है यहाँ पर कभी आप किसी ऑफिस में नए ऑफिस में जाते हैं आपकी सर्विस होती है आपका धंधा होता है आप किसी घर में जाते हैं आप ये सोचते हैं मेरा यहाँ पर है क्या क्या चीज मेरी है मैं आपको बताऊं ये खुशखबरी के इस संसार में परमेश्वर की करुणा आपकी है और सदा की है ये नहीं कि आज और कल और कुछ पलों के लिए नहीं अनंत काल के लिए परमेश्वर की करुणा हमारे लिए है इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्तों कोई भी परिस्थिति हमें ढकमका नहीं सकती कोई भी मुश्किल हमें हमें बहला फुसला नहीं सकती हमारे जीवन में डर नहीं ला सकती है अगर हमारे जीवन में कहीं से डर आता है तो उससे कही कि आए डर आए मुश्किल अः परिस्थिति ए दुख तू नहीं जानता कि परमेश्वर की करुणा मेरे लिए है और जब परमेश्वर की करुणा मेरे लिए है तो कोई भी सताव मेरे लिए मुश्किल नहीं है कोई भी सताव शांति लेकर आता है आनंद लेकर आता है मेरे जीवन में दुख सुख का अनुभव कराता है क्यों क्योंकि परमेश्वर की करुणा मेरे साथ है और वो सदा बनी रहेगी और बाइबल कहते हैं यह वचन कहता है कि करुणा और सच्चाई को तुम अपना बना लो अपने गले का हार बना लो ताकि तुम उसे रोज देखो ताकि अगर शैतान तुमसे झूठ बोले कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है ताकि शैतान अगर तुमसे झूठ बोले कि तुम्हारे बच्चे तु, तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता तो उस शैतान को उस झूठ को बताओ कि तुम्हारे गले में वो हार है जिस पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की करुणा सदा के लिए मेरी है और उससे मुझे कोई नहीं कर सकता उसका आशीष मुझ तक पहुंचता है और ने हमें अपना बनाया है। ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है हमें पाने के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उसने अपने ताकि हम तक उसकी करुणा पहुंचे कोई भी बाधा कोई भी चीज कोई भी शैतानी ताकत उस करुणा को हम तक पहुंचने में नहीं रोक सकती है इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त हमें डरने की जरूरत नहीं है कोई भी सताव कोई भी मिनिस्ट्री कोई भी दुख कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सरकार हमारे दिल से हमारे मन से हमारी शांति को नहीं छीन सकता है क्योंकि करुणा परमेश्वर की मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है क्योंकि उसने मुझे पाया है क्योंकि उसने मुझे चुना है मैंने उसको नहीं चुना है इसलिए दोस्तों बिल्कुल डर अपने अंदर से निकालिए कभी भी कोई भी डर अगर हमारे अंदर आता है उसको निकालिए और कहिए अ डर परमेश्वर की करुणा मेरी है और मैं करुणा से भरा हुआ हूँ मैं करुणा का गवाह हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मुझे निकाला है संकट से निकाला है दलदल की कीचड़ से निकाला है और मुझे उस उस सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है और मुझे उस चट्टान पर स्थिर कर दिया है जो चट्टान ईश् मसीह मेरे पैरों को स्थिर कर दिया है परमेश्वर ने इसलिए दोस्तों आनंद से भर जाइए शांति से भर जाइए प्रेम से भर जाइए और उस करुणा का उस करुणा को रोज रोज महसूस करिए उस करुणा को रोज महसूस करिए जैसे आप सांस लेते हैं जैसे आप आप जीवन को महसूस करते जीवन जीते हैं उसी तरह महसूस करिए वो करुणा आपके साथ है वो परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है और वो बह रहा है वो बह रहा है उसे अपने गले का हार बना लीजिए वो कोई भी रोक नहीं सकती है वो बहती हुई चीज़ को वो बहती हुई चीज़ है वो रोक नहीं सकती है परमेश्वर का आशीष है परमेश्वर की कृपा है हाल दोस्तों तो डर डर का हमारे जीवन में कोई भी अस्तित्व तो नहीं है इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है धन्यवाद इस वचन के लिए धन्यवाद तेरी मेहरबानी के करुणा हमारे साथ हमेशा के लिए बनी हुई है ईश्वसा के नाम से मांगते हैं धन्यवाद देते हैं प्रार्थना अपने सुनी और कबुल की हम सब कहेंगे